हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक बहुत बड़ी खबर लेकर के हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ, BDO 2018 1953 पोस्ट पर के लिए आपका लिखित परीक्षा का जो है रिजल्ट के संबंध में आप इंतजार किए बैठे हुए हैं। इसके दिशा में एक बहुत बड़ी खबर प्राप्त हो रही है कि BDO 2018 का रिवाइज आंसर की जारी कर दिया गया है। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे हैं कि BDO जो आपका एग्जाम 2018 का हुआ था उसका रिवाइज आंसर की आपका अवेलेबल है होम साइट पर UPTPLSC के। एक बड़ी खबर प्राप्त हो रही है, हम पूरे पूरी खबर आपको देंगे इसके संबंध में, रिजल्ट की तैयारी के संबंध में कि कब तक रिजल्ट का जारी किया सकता है। जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि आपका रिजल्ट 10 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा, तो ये संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही थी वो कहीं ना कहीं एक सार्थकता की तरफ जाती हुई दिख रही है मित्रों। और ये जो है एक तैयारी है रिजल्ट जो है डिक्लेयर होने के संबंध में, हम पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकान के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि UPTPLSC के संबंध में वो आप तक हम आसानी से पहुँचा सके। तो लेते हैं पूरी खबर, देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जारी कर दिया गया है रिवाइज आंसर की वीडियो का और रिजल्ट संभावनाओं डेट के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मित्रों, जो जारी किया गया है एक महत्वपूर्ण अधिसूचना UPTPLSC के द्वारा, एक जो मुस्कान 1 घंटा हुआ होगा ये जारी किए हुए देख सकते हैं आप कि आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2018 द्वारा विज्ञापित सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 संशोधित उत्तर कुंजी के संबंध में सूचना। पूरी खबर ले लेते हैं, इसको डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं पूरी पूरी जो है इसके जो है PDF देख लेते हैं सभी सेटों का। जी हाँ, सभी सेटों का रिवाइज आंसर की जारी कर दिया गया है और रिजल्ट जो है आपका यहाँ से देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ। आवश्यक सूचना, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2018 द्वारा विज्ञापित सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के दिनांक 22 और 23 दिसंबर 2018 को संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत दोनों तिथियों की दोनों पालियों के 8 सीरीजों के प्रश्न पत्रों तथा उनसे संबंधित औपबंधिक उत्तर कुंजिया भर्तियों को उपयोगार्थ आयोग की वेबसाइट पर आवश्यक सूचना संख्या 62 12 कंप्यूटर उत्तर कुंजी जो देख सकते हैं आप खंड दिनांक 24 12 2018 के साथ अपलोड की गए है। जो आपका 24 तारीख को अपलोड किया गया था पुनः उसी जो है कंटिन्यू करते हुए एक नई रिवाइज आंसर की जारी कर दी गई है UPTPLSC के द्वारा। तो सभी सेटों का जो है इसमें दे दिया गया है, तो यहाँ से जाकर के आप एक अपना फिर से मैचिंग करवा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पुनः एक बार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट की बिल्कुल तैयारी कर ली गई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था, तो आप ये मौसम संभवतः मान के चलिए मार्च, मैं आपको मार्च डेडलाइन दे रहा हूँ कि मार्च के अंदर अंदर आपका जो है रिजल्ट जारी किए जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगर चीज़ें सब कुछ सामान्य रही तो आपको होली के पहले पहले भी ये खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो ये बड़ी खबर थी मित्रों, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ज़रूर करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।